हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद मेकअप ट्यूटोरियल। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईद के ऊपर आप एक मेकअप लुक क्रिएट कीजिए, तो मैंने ये वाली लुक क्रिएट की है। बहुत ही सिंपल है करना और आपको बहुत सारे आई शैडोज यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कुछ ईद की मेकअप ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं, मैं सारे लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी। तो अगर आप थोड़ा डिफरेंट कलरफुल लुक क्रिएट करना चाहते हैं, आप वो वाली वीडियो जरूर चेक करें। ऑल्सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने IGTV पे पीच ईद मेकअप लुक ट्यूटोरियल अपलोड किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे फॉलो जरूर करें ऑन माय इंस्टाग्राम। लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम का। और आप ये लुक किसी भी ओकेजन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है जैसे कि मैंने कहा, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप बहुत ही इजिली ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो आईब्रोज के लिए मैं कलर पॉप का पॉमेड यूज कर रही हूँ और ये थोड़ा सा डार्क कलर का है। और एक फ्लैट एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी ब्राउज को फिल करूंगी इससे। तो ब्राउज को फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपनी ब्राउज को लाइन करें। तो इस तरह से लोअर पार्ट को लाइन करूंगी, अपर पार्ट को लाइन करूंगी। और ये प्रोडक्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, स्पेशली अगर आप किसी ओकेजन के लिए यूज करना चाहते हैं। और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को इस तरह से अपवर्ड फ्लिक करूंगी प्रोडक्ट को, और बाकी जो भी एम्प्टी स्पॉट्स होंगे उनको मैं फिल कर लूंगी सेम प्रोडक्ट से। और ब्राउज को हल्का सा क्लीन कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। तो इस तरह से आप अपनी ब्राउज को शेप भी दे सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी थिन करनी है ब्राउज, अगर आपने ओवर ड्रॉ कर ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस। तो सबसे पहले मेकअप शुरू करने से पहले मैंने मास्क अप्लाई किया था अपने फेस पे और उसको मैंने 20 मिनट्स तक रखा। आप कोई भी हाइड्रेटिंग मास्क यूज कर सकते हैं, स्पेशली समर्स में आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप हाइड्रेटिंग मास्क जरूर ट्राई करें। मैं कुछ मास्क नीचे मेंशन कर दूंगी। तो मैंने मास्क अप्लाई किया था, अब उसके बाद मैं ये सिरम यूज कर रही हूँ, ये ग्लो सिरम है। तो आपको कोई भी सिरम आप यूज कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप सिरम अप्लाई करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। तो मैं अच्छे से सिरम को अप्लाई कर लूंगी अपनी स्किन में, और ये भी बहुत ही हाइड्रेटिंग सिरम है स्पेशली समर्स के लिए। अब उसके बाद एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए मैं थोड़ा सा फेशियल ऑयल अप्लाई कर रही हूं। ये विटामिन सी फेशियल ऑयल है, आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है। तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूंगी और उसके बाद आपको वेट करना है फॉर 15 मिनट्स ताकि आपने जो भी मॉइस्चराइजर अप्लाई किए हैं वो अच्छे से आपकी स्किन में चले जाएं। नाउ प्राइमर के लिए मैं रेवोल्यूशन का प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, तो मैं अच्छे से इस प्राइमर को अप्लाई कर लूंगी ऑल ओवर माई फेस। फाउंडेशन के लिए मैं फेंटी ब्यूटी की फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, मेरा शेड है 300। हल्की सी डार्क है ये फाउंडेशन कलर, बट समर्स के लिए परफेक्ट शेड है मेरा। और फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है फाउंडेशन, स्पेशली अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन रहती है या ड्राई भी है। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वाले ना यूज करें, बट अगर आपकी थोड़ी सी नॉर्मल ड्राई स्किन है उसके लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है। अब हाईलाइट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज कर रही हूँ और मोस्टली मैं अपने अंडर आईज पे अप्लाई करती हूँ सेंटर ऑफ फेस पे हाईलाइट करने के लिए। थोड़ा सा लाइट है कलर में कंसीलर और ब्लेंड वाइज बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने सेंटर ऑफ फेस पे अप्लाई कर लूंगी इसको और स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत अच्छे से ये कंसीलर ब्लेंड हो जाता है। और ये जो स्पंज है ये डी ब्यूटी का स्पंज है, मैं नीचे उनका इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगी। बहुत ही अफोर्डेबल है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इंडिया में इजीली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है कंसीलर और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है ये कंसीलर। और फुल कवरेज है, अगर आप मीडियम टू फुल कवरेज है, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे तो आपको फुल कवरेज भी देगा। तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। अब सेट करने के लिए अपने फेस को मैं फिटमी का लूज पाउडर यूज कर रही हूं
और पहले मैं अपने अंडर आईज को इस तरह से सेट कर लूंगी स्मॉल टेपर ब्रश की हेल्प से, ताकि मेरा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो आप प्रेस पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और बाकी फेस के लिए भी मैं सेम पाउडर से अच्छे से सेट कर लूंगी। स्पेशली समर्स में आप बहुत ही लाइटली लूज पाउडर अप्लाई करें तो आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई या फ्लेकी नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा अपने अंडर आईज पे लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ बेकिंग करने के लिए, क्योंकि मैं आई मेकअप करूंगी बाद में, तो इस तरह से आप अपना आई मेकअप क्लीन भी कर सकते हैं। आई मेकअप के लिए मैं मॉफी की जैकलिन हिल पैलेट यूज कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं ये वाला आई शैडो लूंगी, तो इसको मैं एज ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज में। तो इस तरह से आप बैक एंड फोर्थ करें आई शैडो को, और बहुत ही पिगमेंटेड है ये वाली पैलेट, और मैंने बहुत सारे कलर्स नहीं यूज किए, आप बेसिक कलर्स यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास पैलेट अवेलेबल है। और मैं हल्का सा रीअप्लाई कर लूंगी सेम कलर को, ताकि क्रीज थोड़ी सी और डार्क हो जाए। नेक्स्ट मैं ये काजल पेंसिल यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की, और मैं थोड़ा सा थिक आईलाइनर ड्रॉ करूंगी अपनी आईज पे। डोंट वरी, थोड़ा सा मेसी हो बट मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी बाद में इसको, क्योंकि मैं हल्की सी स्मोकी आईलाइनर लुक क्रिएट कर रही हूँ स्मज सा, तो उसके लिए मैं पहले ये अप्लाई करूंगी, और उसके बाद ब्रश की हेल्प से इस तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। और हल्का सा मैं आउटर कॉर्नर से इस तरह से विंग क्रिएट करूंगी। आप कोई भी ब्रश, स्मॉल ब्रश यूज कर सकते हैं उसके लिए, और ये आईलाइनर बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रीमी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बट आप कोई भी काजल पेंसिल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जेल लाइनर भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद पैलेट में से मैं ये वाला आई शैडो ले रही हूँ, और मैं हल्का सा इसको स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से आईलाइनर के ऊपर अप्लाई करूंगी, और मैं अच्छे से ब्लेंड करती जाऊंगी आईलाइनर को। तो आप उस हिसाब से आई शैडो अप्लाई करें जितनी आपको इंटेंसिटी डार्क चाहिए। मैं थोड़ा सा ब्राउनिश सा आईलाइनर लुक क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए मैं ब्राउन कलर्स यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ब्लैक आई शैडो यूज करके भी इस तरह से कर सकते हैं। अब उसके बाद पैलेट में से मैं ये वाला आई शैडो ले रही हूँ, और हल्का सा मैं इस तरह से अपनी आईलेट्स पे अप्लाई करूँ। मैं पूरा अपने आईलेट्स पे नहीं अप्लाई करी, हल्का सा स्मज कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ आईलाइनर को। और फिर से मैं रीअप्लाई करूंगी सेम कलर, जो डार्क कलर मैंने पहले अप्लाई किया था, और थोड़ा सा इस तरह से विंग पे भी अप्लाई कर लूंगी, जस्ट टू क्रिएट दैट स्मज्ड विंग लाइनर लुक। और उसके लिए आप चाहें तो आप स्मॉल पेंसिल ब्रश ही यूज करें, या फिर स्मॉल कोई भी आपके पास डिटेलिंग ब्रश है आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं सेम काजल पेंसिल ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की, और मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी इसको, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज नहीं होती। बट अगर आपकी काजल पेंसिल जो है वो बहुत इजीली स्मज हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ब्लैक आई शैडो अप्लाई कर सकते हैं उस पर। अब कॉन्टोर करने के लिए अपने फेस को मैं नायका का कॉन्टोर पाउडर यूज कर रही हूँ, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, और मैं हल्का सा ब्रॉन्ज अप करूंगी और कॉन्टोर भी करूंगी अपने फेस को सेम कलर से। तो डिटेल कॉन्टोरिंग के लिए आप स्मॉल ब्रश यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्रॉन्ज अप करना है तो आप कोई भी थिक ब्रश यूज कर सकते हैं, और आप अपने फेस को ब्रॉन्ज अप करें जितना आपको कलर ऐड करना है अपने फेस पे। तो इस तरह से मैं चीक्स पे अप्लाई कर लूंगी, अपनी जॉ लाइन पे अप्लाई कर लूंगी, हल्का सा मैं फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूंगी। अब ब्लश के लिए मैं नायका का ही ब्लश यूज कर रही हूँ, और मैं ये वाला ब्लश अप्लाई करूंगी, और ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ इसको, और बहुत ही पिगमेंटेड ब्लश है, क्वालिटी वाइज अगेन बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं बहुत जल्द सारे नायका प्रोडक्ट्स यूज करके एक वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर है ये। हाइलाइटर के लिए मैं सेम कॉन्टोर पैलेट में से ये वाला हाइलाइटर यूज कर रही हूँ नायका का, और हाइलाइटर ब्रश की हेल्प से मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। अगेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर है, बिल्कुल भी ग्लिटरी या चंकी नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही स्मूथ हाइलाइटर है ये। तो मैं इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी, अपनी नोज पे अप्लाई कर लूंगी, हल्का सा मैं अपने चीक चिन पे अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा फोरहेड पे। पैलेट में से मैं ये वाला आई शैडो ले रही हूँ, और स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मज करूंगी ऑन माय लोअर लैश लाइन,
तो जैसे कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा ब्राउनिश कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्राउन स्मोकी लुक क्रिएट कर रही थी या ब्राउन स्मज लुक क्रिएट कर रही थी उसके लिए। एंड अगेन पैलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और कलर्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी। अब पैलेट में से मैं ये वाला आई शैडो ले रही हूँ और मैं इसको इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स। अब मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर लूंगी विद एन आईलैश कर्लर। मस्कारा के लिए मैं लॉरियल का पैराडाइज मस्कारा यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है और मैं अच्छे से अपनी लोअर लैशेस और अपर लैशेस को कोट करूंगी इससे। लिपस्टिक के लिए मैं फोकिलो की वेलवेट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, ये मैट लिपस्टिक है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है स्पेशली स्पेशल ओकेजन्स के लिए या फेस्टिवल के लिए। अब मैं अपने मेकअप को सेट कर लूंगी, उसके लिए मैं सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं और मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे करूंगी इसको ताकि मेरा मेकअप अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। फॉल्स लैशेस के लिए मैंने बिफोलन लैशेस यूज की हैं, एज ऑलवेज मैं वही लैशेस यूज करती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी और आपको डिस्काउंट कोड भी मिलेगा, तो मैं डिस्काउंट कोड भी नीचे मेंशन कर दूंगी अगर आप खरीदना चाहते हैं। अब पैलेट में से मैं ये वाला आई शैडो ले रही हूँ और मैं हल्का सा इसको इस तरह से अपने बैंड पे अप्लाई करूंगी लैशेस के ताकि वो विजिबल ना रहे और थोड़ा सा और डार्क लुक क्रिएट हो जाए। तो फॉल्स लैशेस अप्लाई करने के बाद अब इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपका जो लैशेस का बैंड होगा वो विजिबल नहीं रहेगा। अब पैलेट में से मैं सेम कलर ले रही हूँ और मैं रीअप्लाई करूंगी इसको अपनी आईलिड्स पे, क्योंकि जब आप फॉल्स लैशेस अप्लाई करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं आपको कितना डार्क लुक चाहिए, तो उसके लिए मैं हल्का सा और डार्क कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे अप्लाई करके ये वाला आईशैडो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेयर। हेयर के लिए मैं इरेसिस्टिबल मी का जेड स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्ट्रेटनर है और ब्रश स्ट्रेटनर है तो बहुत अच्छे से आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा। बट अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली या वेवी हैं तो उन बालों के लिए इतने अच्छे से स्ट्रेट नहीं करेगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके स्ट्रेट करना पड़ेगा। बट अगर आप क्विकली अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं, अगर आपके बाल थोड़े से वेवी हैं या हल्के से आप थोड़े से स्ट्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए क्विकली ये वाला स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से स्ट्रेट कर देगा। ये इसका बैक पार्ट है और यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा कि कितना आपको लेवल पे आपको हीटअप करना है स्ट्रेटनर को। और ये फ्रंट पार्ट है तो ये ब्रिसल्स हैं इसके और बहुत ज्यादा हीटअप नहीं हो जाता कि आपके हाथ आप बर्न नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। और ये स्टार्ट बटन है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको और यहाँ से आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं क्विकली अपने बालों को, मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट किए थे एक दिन पहले, तो बट क्विकली अगर आप अपने बालों को थोड़ा सा और स्ट्रेट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ब्रश है ये। और आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छी शाइन भी ऐड कर दी है मेरे बालों में, तो मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी अगर आप खरीदना चाहते हैं ये वाला स्ट्रेटनर। अब मैं अपने इयररिंग्स पहन लूंगी, उसके लिए मैंने ये वाले इयररिंग्स यूज कर रही हूँ, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे, तो लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी अगर मुझे मिलेगा। अब मैं मांग टीका भी पहनूंगी, उसके लिए मैंने सेंटर पार्टीशन की है और उसके बाद मैं इस तरह से सिक्योर कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ पिंस। और ये वाला मांग टीका भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया था, तो अगेन अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ज्वेलरी है ये। अब मैं थोड़े से बाल अपने साइड से मांग टीका के ऊपर वापस से रख लूंगी इस तरह से, ताकि जो मांग टीका है उसकी जो चेन है वो विजिबल ना रहे। तो इस तरह से आप क्विक हेयर स्टाइल कर सकते हैं अपने बालों में। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइस। आई रियली होप आप लोगों को ये ईद मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और जैसे कि मैंने कहा ये लुक बहुत ही ईजी है, आप क्विकली ये लुक क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप कौन सा लुक क्रिएट करें। और स्पेशली ये वाली लुक हर ड्रेस के साथ अच्छी लगती है, आप किसी भी कलर की ड्रेस पहन लें और आप ये लुक क्रिएट करेंगे तो ये हर ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ एज ऑलवेज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो।
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.